नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी या ये कहे कि एनडीए और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से इस वक्त प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। बीजेपी की बात कर ले तो कल उत्तर प्रदेश की 7 और लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया। अब इसके बाद अब भी 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर नामों का ऐलान करना बीजेपी के लिए बाकी है। बीजेपी की ओर से जो ये 5 सीटें हैं, फिरोजाबाद है, देवरिया है, कैसरगंज है, रायबरेली है और भदोही। ये वो लोकसभा सीटें हैं जिन पर अब तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया। और 5 ही सीटों में से जो सबसे हॉट सीट है वो है कैसरगंज की। कैसरगंज सीट की बात कर ले जहां पर 15 सालों से सांसद है बृजभूषण चरण सिंह, उनका लगातार कब्जा रहा है। पिछले 2 दिनों से बृजभूषण चरण सिंह चुनाव प्रचार में भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। बकायदा अपने एक्सपोस्ट पर वो तमाम वीडियोस भी डाल रहे हैं प्रचार प्रसार की, और किस तरह से वहां की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है उसको लेकर भी अपनी राय साझा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर लें, कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली, ये 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अब तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। यानी जो सस्पेंस है वो खत्म होने का नाम ले नहीं रहा। अब 15 दिन बाद नॉमिनेशन इन सीटों पर शुरू होने वाले हैं, लेकिन पार्टी ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। तमाम अटकलें इन सीटों पर लगाई जा रही है। तो आज इन्हीं सीटों का गणित समीकरण आज हम समझेंगे, चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले किस तरह के राजनीतिक बयान सामने आए हैं वो सुनिए। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो करके गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आएगा। कैसरगंज से किसके कौन है बीजेपी का बताओ? नहीं ऐसा है, हम तो बदल लें, चलो ठीक है, विरोध तो नहीं हो रहा है। मेरठ में कितना विरोध हो रहा है, मुजफ्फरनगर में कितना विरोध हो रहा है, सहारनपुर में कितना विरोध हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी, उनका विरोध हो रहा है। अब कोई दूसरा लौट के नहीं आ पाएगा जहां प्रचार करने हम लोग जाएंगे। जनता समाजवादियों पर भरोसा करती है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव के लिए, मैं पार्टी के साथ हूँ। जहाँ तक प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में एक तरह से समाप्त हो चुकी है यह पार्टी। इस पार्टी की जन विरोधी और जन जो मुझे लगता है कि भ्रमित करने वाली जो बातें हैं वो सबको पता चल चुकी है। हमारे भारत में अब नवरात्र शुरू हो गया है, सभी महिला शक्ति और शक्ति की उपासना करने में जुटे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ ये सब कांग्रेस का पर्दाफाश करने वाले हैं और लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और जो मेहमान जुड़े हैं एसएन सिंह साहब हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियंका गुप्ता जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीएसपी समर्थक हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जयेंद्र प्रताप सिंह अक्रवंशी जी हैं सुबह सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत, सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूँ। राजीव, सीधी सी बात है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है और इसी कश्मकश में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के लिए अपनी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन माथापच्ची कितनी हो रही है कि कहीं पर घोषित उम्मीदवारों को बदलना पड़ रहा है। और सवाल तो यहां सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के गढ़ की बात करते हैं, रायबरेली अमेठी, अब तक वो सस्पेंस ही नहीं खत्म हो रहा। इधर मुश्किल एनडीए के लिए भी, खासतौर से अगर मैं कैसरगंज सीट की बात करूं जिसको लेकर कल अखिलेश ने तंज भी कसा, तो यहां पर भी सस्पेंस नहीं खत्म हो रहा। अगर नाम काटना है तो काटिए, लेकिन जिसके नाम कटने की अटकलें आ रही हैं वो लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी स्थिति जो है कुछ साफ नहीं हो रही है। मैं समझना चाहूंगी इन तमाम सीटों का गणित समीकरण। राजीव, अब एक साथ पूजा आपने इतनी सीटें सीटों का समीकरण पूछ दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, देखिए सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि अमेठी और रायबरेली जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट थी, वो चुनाव के ऐलान के बाद और तमाम उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अभी तक उस पर फैसला क्यों नहीं हुआ है, और गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं तय कर पा रही है कि अमेठी या रायबरेली से उनका कैंडिडेट कौन होगा। देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक 26 अप्रैल में यानी दूसरे चरण में वायनाड में मतदान है, राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये, जब इलेक्शन शेड्यूल सामने आया तो दिखा
कि जब वायनाड में वोटिंग हो जाए तो उसके बाद भी नॉमिनेशन अमेठी में होते रहेंगे, तो पहले वायनाड का नॉमिनेशन हो जाए ताकि वायनाड में ये मैसेज ना जाए कि राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद अमेठी से उनके चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, अमेठी के साथ साथ ही रायबरेली का चुनाव भी घोषित किया जाएगा और उसमें भी बहुत संभावना गांधी परिवार से ही किसी के आने की है, तो अमेठी और रायबरेली में अभी इस बात की संभावना पूरी बनी हुई है कि गांधी परिवार के लोग ही इन दोनों सीटों पर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद गांधी परिवार से जो अमेठी का रिश्ता रहा है उसको लेकर के ये तय माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, अब कैसरगंज की बात जो आती है, 6 बार के लोकसभा सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, पार्टी ने उनको टिकट भले नहीं दिया हो लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज में लगातार चुनावी मोड में अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और उनको लगता है कि पार्टी उन पर भरोसा करेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं तो उनके परिवार के किसी से, वैसे भी एक बार ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे जब वो एक मामले में अदालत में फंसे थे तो उनकी पत्नी एक बार चुनाव लड़ी थी और वो जीती भी थी, तो उनकी पत्नी को भी टिकट दिया जा सकता है, एक उनके बेटे विधायक उनको भी टिकट दिया जा सकता है, इस पर अभी मंथन चल रहा है। इस पर बताया ये जा रहा है कि रामनवमी के बाद कोई फैसला होगा। मेरी जानकारी के मुताबिक कोर्ट में एक मामला ब्रजभूषण शरण सिंह का है, बीजेपी भी और ब्रजभूषण शरण सिंह भी ये चाहते हैं, कोर्ट के उस फैसले का इंतजार करना चाहते हैं, उसके बाद ही कैसरगंज पर कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन इतना मैं बता दूं कि कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत मजबूत नेता है, बहुत बड़ा जनाधार उनका है और वो भाजपा से तो जीते ही हैं, भाजपा एक बार छोड़ करके और मजबूत भाजपा की स्थिति में वो समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा था और उससे भी वो चुनाव सांसद का जीत चुके हैं। तो कैसरगंज का मामला ये है। बाकी कल जो लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है वो बहुत चौंकाने वाले नाम कुछ लोगों को लगे हैं। पारसनाथ राय को गाजीपुर से अफजाल अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया है और पारसनाथ राय, वैसे तो कहा यह जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अंततः चली उन्हीं की। पारसनाथ राय मनोज सिन्हा के बहुत करीबी हैं, कुछ शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं, हालांकि राजनीतिक रूप से उनका उस तरह का रसूख नहीं है अफजाल अंसारी के बराबर या वहाँ पर जो दूसरे लोग थे, लेकिन गाजीपुर में ये टिकट उनसे मनोज सिन्हा की करीबी की वजह से पारसनाथ राय को मिला है। और बलिया, देखिए जातिगत समीकरण का भी बहुत ध्यान भारतीय जनता पार्टी जैसे दूसरी पार्टियां रखते हैं वैसे रखते हैं। एक राजपूत का टिकट बलिया से काटा तो दूसरे राजपूत पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर को वहां से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, जो भारतीय जनता पार्टी से ही हार चुके हैं पीछे समाजवादी पार्टी में 2014 का चुनाव। तो इस तरीके से अगर भरत सिंह ने उन्हें चुनाव हराया था, भरत सिंह भी राजपूत थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 का चुनाव वो लड़े थे। अब बात आती है बलिया की, तो बलिया में अभी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है और घोसी से इलाहाबाद प्रयागराज से रेवती रमण सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके बेटे उज्ज्वल रमण सिंह जो अखिलेश सरकार में मंत्री रहे, 2 बार सपा के विधायक रहे, उनके पिता 9 बार विधायक 3 बार सांसद रहे, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने समझौते के तहत प्रयागराज सीट ली है और उज्ज्वल रमण सिंह को वहाँ से कैंडिडेट घोषित अभी किया तो नहीं है लेकिन कर दिया जाएगा। दूसरी बात है वहाँ से नीरज त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया है क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी को देना था, इसलिए नीरज त्रिपाठी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। वो डबल एजी भी रहे हैं, वकील हैं हाईकोर्ट के, हालांकि राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय भले ना हो लेकिन वो वकील डबल एजी रहे हैं और उनकी विरासत है राजनीति। केसरीनाथ त्रिपाठी कई बार वहाँ शहर दक्षिणी से विधायक रहे हैं। तो ये मामला अलग अलग जगहों का है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मामला आपके पैनल में सुभाषपा के भी बैठे हुए हैं। बलिया की जस्ट सटी हुई सीट घोसी है जहाँ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और अभी 2 बार चुनाव प्रचार के लिए गए हैं। उनके साथ जब बीजेपी के डिप्टी सीएम
ब्रिजेश पाठक प्रचार करने गए तो उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कान पकड़ के घुटने के बल बैठाकर अरविंद राजभर से माफ़ी मंगवाई है और उसी के बाद अरविंद राजभर दिल्ली आए और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किए कि देखिए आपके जो वर्कर है उनसे हमको माफ़ी मांगना पड़ रहा है, मंगवाना पड़ रहा है, ज़रा बीजेपी के वर्कर्स को यहाँ से डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो ये सब स्थितियाँ हर तरफ हैं। अब मामला करीब करीब सामने दिखाई दे रहा है कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है और इन जगहों पर दोनों तरफ से मजबूत प्रत्याशी मैं कहूँगा मैदान में है। बिल्कुल मजबूत प्रत्याशी और क्योंकि सीट जीतना एकमात्र लक्ष्य है और उसी की कश्मकश और उसी की जो है खींचतान यहाँ पर हमें दोनों ही गठबंधन में यहाँ पर सामने आती दिख रही है। तो तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हालांकि पहले मैं एसएन सिंह साहब के पास ही जाना चाह रही थी लेकिन शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। तो प्रियंका गुप्ता, रायबरेली अमेठी को लेकर सस्पेंस कब खत्म होगा? वायनाड के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगी क्या तस्वीर, जब वायनाड में नामांकन हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि तस्वीर में बहुत ज्यादा कोई एक धुंधलापन नहीं है, पूरी तरीके से क्लियर ही है। बट हाँ, अभी टाइम है, अभी समय है, पांचवें चरण का चुनाव है तो उसके साथ हमारी जो रणनीति है ये किस तरह से सामने आएगी ये पता चल जाएगा। परंतु मैं ये भी चाहती हूँ कि देश की जो जनता है वो ये पूछ तो ले कम से कम तब तक, और रायबरेली की स्पेशली जनता पूछ ले कि ये 13 रुपए किलो चीनी मिल गई होगी उन्हें कि नहीं मिली होगी, जो रोड बनती है वो रातों रात हाथ में आ जाती है, इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है कम से कम वहां की जनता पूरी तरीके से देख कर आश्वस्त हो जाए, उसके बाद ही चुनाव के लिए नामांकन हो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये जनता की चुनाव है और जनता ही इस बार चुनाव लड़ रही है अगेंस्ट बीजेपी। और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचार, पहले 2014 में ही क्या करते थे, ये भ्रष्टाचार पे उंगली उठा के दिखाते थे कि ये देखो भ्रष्टाचार, वो देखो भ्रष्टाचार। अभी क्या है, अभी ये खुद पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं देखो मैंने सारे भ्रष्टाचारियों को धुलकर वॉशिंग मशीन पे साफ करके अपनी पार्टी में समाहित कर लिया। तो आज भ्रष्टाचार देखने वाले कंफ्यूज है कि कहां देखें भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री जी के पीछे देखें या प्रधानमंत्री जी की अगल देखें या बगल देखें। दूसरी चीज अभी मैं कह रही कि जैसे जाति पात, ये जातिवाद पुराना फंडा है। अब देखिए इन्होंने कैसे जाट वर्सेस पंजाब वर्कर हरियाणा में आज भी उनके खिलाफ केसेस हैं पर उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं होते हैं। किसान मुद्दे पर लगातार लगा रहा कि आप अगर जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसान पूछेगा ना कि उसके खिलाफ जो केसेस अभी तक वापस क्यों नहीं, तो किसान को भी लड़ाते रहे आपस। आज हकीकत ये है कि जो सभाएं होती हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह की सभाएं हों चाहे जो सभाएं, किस तरह से कुर्सियां खाली होती हैं ये अपने आप में इसको अंदाजा बीजेपी लग गया होगा कि लहर कहाँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज बिना मैनिफेस्टो नजर आती, जब वो बड़ी बड़ी रैलियां करती है तो उसके हाथ खाली होते हैं और जनता आगे मतलब तक रही होती है कि क्या प्रधानमंत्री जी कुछ रोजगार पर बोलेंगे, क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे कि महिला सुरक्षा पर बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी जब बोलेंगे तो आप ये कह रहे प्रियंका जो मैनिफेस्टो पहले जारी कर दे उसकी स्थिति उतनी मजबूत, ये एक आधार है आपकी मजबूती का, आपकी पैठ का? देखिए 10 साल के बाद अगर कोई मैदान में आए तो स्तंभ से आए ना कि हमने दिया क्या है आपको और हम देंगे क्या आपको, जब कुछ है ही नहीं आपके हाथ में। आज भी आप 2014 का टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप ये सवाल तो प्रियंका जी आपके लिए भी उठ सकता है, जो आपका गढ़ है अमेठी रायबरेली, अगर वहां पर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है? कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इस बार ये जनता चुनाव लड़ रही है, इस बार कोई कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार कोई इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा, इस बार जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। और ये जनता ये इस बार पूछेगी सवाल कि कहाँ है महंगाई की जो है आपके वादे, कहाँ है आपके जो झूठे वादे किसानों की दुगनी आय के लिए आपने के, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी, कहाँ है वो जो है बुलेट ट्रेन, वो आगे कब निकल गई किसी को पता भी नहीं चला। तो हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी तो थोड़ा सा आप ही थोड़ा क्लियर कर दीजिए कौन लड़ रहा है अमेठी से, राहुल गांधी उतरने वाले हैं या किसी और नाम पर चर्चा चल रही है, या सीधे दोनों गांधी परिवार के पास ही जानी है ना? देखिए मुझे लगता है कि इंडिकेशन साफ है परंतु जब तक ऑफिशियली घोषणा नहीं हो जाती तब तक मैं पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर यहाँ कुछ कहने में व्यस्त हूँ। परंतु इतना जरूर कहूंगी कि जनता पूछ रही है कि सिलेंडर का भाव आज, ये जनता पूछ रही है कि बेरोजगारी का जो 83% बेरोजगारी है वो किसकी सरकार में, जनता पूछ रही है कि देश का सबसे ज्यादा कर्ज है तो किसकी सरकार में। ठीक है, यानी लड़ाई यहाँ इंडिया गठबंधन के लिए ये मुद्दा वर्सेस मोदी जी ही है मनोज यादव, जैसा कि प्रियंका जी कह रहे हैं। तो मुद्दों पर बात कीजिए, अब कैसरगंज में आप खुद तो उम्मीदवार उतार नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे सवाल कर रहे हैं फिर? पहले आपकी स्थिति में तो आप भी है ना?
पूजा जी, क्या विपक्ष को सवाल और पूछने का कुछ जवाब देने का भी राइट खत्म हो जाएगा क्या? अरे हम लोगों के पास यही तो बचा है ना कि हम लोग सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं, आप कौन करेंगे? और ये अब मुद्दा नहीं रह गया कि राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे अमेठी, प्रियंका गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगी रायबरेली, ये मुद्दा नहीं रह गया। अखिलेश जी कन्नौज से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अब ये मुद्दा नहीं रह गया। ये नरेटिव सेट किया जाता है दिल्ली नोएडा में बैठ के, ये सवाल यहाँ यक्ष सवाल क्या है पूरे देश में उत्तर प्रदेश, और वो यक्ष सवाल सिर्फ एक है, बदलाव होगा और बहुत बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही। ये बात मेरे मुख से सुनने के बाद हो सकता है कि ये बिल में डायलॉग है। तो हमारे साथ राजीव कुंदन जी हैं, मेरे जनपद गए थे, बाराबंकी जनपद है मेरा, और वहां पे इन्होंने जन जन से बात की और इनको क्या रिप्लाई मिला था बाराबंकी में, वो राजीव रंजन जी भी आपको बता। इस तरह वो मऊ भी गए थे, इस तरह तमाम सारे पूर्वांचल से लेके और इलाहाबाद प्रयागराज तक जिलों में हुआ है। जनता के दिलो दिमाग में बदलाव कब, बीजेपी सिर्फ उन सीटों पे चुनाव लड़ रही है जहां उनका गढ़ है, और वो चाहे मथुरा के रूप में हो, नोएडा गाजियाबाद के रूप में हो, उन जगहों पे बीजेपी चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, बाकी हर सीट पे बीजेपी चुनाव हारती हुई दिख रही है। और इंडिया अलायंस के सभी साथी पूरी ताकत और शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ने के लिए लड़ रहे हैं और हराने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन समस्या तो इस बात की है कि आज भी विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, कोई ये क्यों नहीं बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है, कोई ये क्यों नहीं बता रहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस ने पार्टी ने जो मैनिफेस्टो किया है वो मिरेकल है, जादू है, और जनता ने 5 किलो राशन का मन बदल लिया, जनता ने अब इन सारी बातों को भुला दिया है कि आप जब चुनाव आता है तो 6,000 रुपए देके निकल जाते हो, फिर हमसे 60,000 रुपए उसको लेते हो महीने, ये सारी चीजों का आकलन जनता कर चुकी है। पूजा जी मैं आपको बड़ी ईमानदारी से एक बात बता दे रहा हूँ कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश होगा जहां सबसे बड़ा मोदी का जीत का रथ उत्तर प्रदेश की जनता रोकने जा रही है। अब जनता ये बात नहीं कह रही है कि मोदी के सामने कौन, ये कोई नहीं पूछ रहा कि राम मंदिर बनवाया तो उसके बदले हम क्या करेंगे, जनता सिर्फ एक बात कह रही है कि अब बहुत हुआ महंगाई की मार, अब किल हटाओ मोदी सरकार। ठीक है, लड़ाई अगर इतनी इजी है तो करीब 1.5 दर्जन सीटें ऐसी जिस पर अभी भी इंडिया गठबंधन को घोषणा करना बाकी है ना, तो फिर मुश्किल कहां आ रही है? कैसरगंज में आप सवाल पूछ लेते हैं तमाम सीटों को लेकर, लेकिन जब आपसे पूछा जाए तो आप फिर कहते हैं कि हमसे सवाल क्यों, बात मुद्दों की कीजिए। पूजा जी इसी को रणनीति और कूटनीति कहा जाता है, अगर रणनीति और कूटनीति आप नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छी राजनीति नहीं कर सकते हैं, और इंडिया अलायंस के लोग पूरी तरीके से अपनी रणनीति में सफल है। जो टिकट हमने दिए, जिस तरह की चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए, उससे बीजेपी बहुत परेशान है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है, किसी तरीके का कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो हमारे प्रत्याशियों के सामने डट कोई अच्छा प्रत्याशी खड़ा कर सके। जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि गाजीपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं मिला, इसको वाकओवर कहा जाता है, लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है उनके पास, और सिर्फ गाजीपुर की बात करूं तो गलत है, मऊ में भी वही स्थित है, आजमगढ़ में भी वही स्थित है, मुजफ्फरनगर में भी वही स्थित है, सहारनपुर में भी वही स्थित है, बिजनौर में भी वही स्थित है, और जितने भी जिले उठा तो कैसरगंज के लिए तो कहा जा रहा है कि आप भी इसी ताक में है कि अगर ब्रिजभूषण को वहां से टिकट नहीं तो हो सकता है आप अपने पाले में ले लें, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो अगर राजनीति में कोई इस तरह की बात सामने आती है तो इसको होशियारी कहा जाता है, अच्छाई कहा जाता है, क्या बुराई है? और मैं तो एक बात कहूंगा और ये मेरी अंतिम बात है आपके चैनल पे इस वक्त, आपको बता दूं अगर बीजेपी के अंदर हिम्मत है, मैं तो कैसरगंज में ही बैठा हूं, मैं गोंडा लोकसभा का प्रभारी हूं और बगल में कैसरगंज ऐसी सीटें हैं, आप बता दूं बीजेपी की हिम्मत नहीं कि प्रद्युम्न शरण सिंह का टिकट काटे, और अगर काट दिया तो नरेंद्र मोदी अमित शाह योगी आदित्यनाथ सबको हैसियत पता चल जाएगी, ये मैं बता रहा हूं यहां से बैठ, हिम्मत नहीं तो टिकट काट दें, वो तो बैलेंस करने की कोशिश की जा रही कि उधर का चुनाव हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, प्रथम चरण में नुकसान ना हो, द्वितीय चरण में नुकसान ना हो, इस तरह की रणनीति की जा रही है। प्रद्युम्न शरण सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी से भी हमारा प्रत्याशी क्लियर है, समय आने पर बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, और हमारे साथ सुबह सपा से जिनेन्द्र प्रताप सिंह जी भी हैं। जिनेन्द्र प्रताप, एक घटना का जिक्र तो यहाँ पर मेरे सहयोगी राजीव कर ही चुके हैं, विरोध इतना उठ रहा है क्या पार्टी के अंदर, अंदरूनी राजनीति का शिकार हो रहे हैं क्या आप कि भरी सभा में माफी मंगवाई जाती है?
अरविंद राजभर उठक बैठक करते नजर आते हैं। पूजा जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया गया एक सिगुफा है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है ये सनातन धर्म के रीति संस्कार को तो जानते हैं, सभ्यता संस्कृति से परिचित नहीं है। पूजा जी, अरविंद राजभर जी घोसी लोकसभा से सोनाम सिंह खरीफ है, एनडीए के प्रत्याशी है, और वो अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे थे, उसको समाजवादी पार्टी ने इस तरह से प्रचारित किया, वो माफ मांग रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि इन्हें किसी हिंदू धर्म सभ्यता या रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं है, इन्हें पता नहीं है कैसे बुजुर्गों का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। आपने देखा होगा कैसे भरे मन पे माइक छीना जाता था, पिता को दत्ता किया जाता था इनके समय में, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, तो जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाते हैं वो कार्यकर्ताओं का क्या सम्मान करेंगे, इनसे पूछा जाना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, 2014-17 आशीर्वाद मिल रहा था तो फिर दिल्ली क्यों पहुंच गए आप? मनोज भाई क्यों मुलाकात करते हैं शीर्ष नेताओं के साथ? बदलाव होगा, लेकिन जनता इनको पसंद नहीं करती है, क्योंकि इनके समय काल में माफियाओं का राज था, चारों तरफ आतंकवादियों को आगे प्रश्रय दिया जा रहा था, आगे बढ़ के आपने देखा होगा कैसे आजमगढ़ के जो आतंकवादी थे उनको कहा गया कि हम इनको छोड़ देंगे चुनावों के समय, तो इस तरह से नारी थे, चारों तरफ खनन माफिया फैला हुआ था, दुर्गा शक्ति नागपाल को हटाया गया इनके समय में, निलंबित किया गया माफिया के ऊपर कार्रवाई करने के इल्जाम, इनके एक सचिव थे उन्होंने कहा रामलला को मंत्री बनना चाहिए, चिट्ठी लिखी उनको हटा दिया गया, तो इस तरह से इनकी जो घटनाएं हैं उसी की वजह से इनको बार बार जनता ने ठुकराया है। जहां तक रही माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की बात, तो बार बार ये पूछते हैं क्या कार्य किए हैं, अगर मैं कार्य गिनाने बैठूंगा तो शायद ये एक घंटे का प्रोग्राम भी छोटा पड़ जाएगा। मैं बता देता हूँ, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, 12 करोड़ जल कनेक्शन दिए, 3 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, इसके अलावा ठीक है। देखिए, अगर जनता उन्हें ठुकरा रही है जिनेंद्र जी, तो क्या जनता कभी आप इधर कभी उधर, वहां नहीं दाल गलती है तो उधर आ जाते हैं, यहाँ दाल नहीं गलती तो उधर चले जाते हैं, तो क्या जनता ये नहीं समझती, क्या उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है जनता? नहीं देखिए, हर पार्टी चुनावों से पूर्व गठबंधन करती है, आपने सपा को देखा होगा, सपा ने कितने गठबंधन किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आज तक बसपा के साथ किया है, भाजपा के साथ पीछे किया है, उसके अलावा महानदल के साथ किया है, चाचा शिवपाल यादव की प्रसपा के साथ किया है, और कमेरावादी जो अपना दल है उसके साथ किया है, और उनके साथ तोड़ा भी है फिर दोबारा किया है, ठीक है। कांग्रेस को आपने देखा होगा कितने दलों के साथ उसने गठबंधन किया है, तोड़ा है और फिर किया है। अभी आपको मैं हाल की घटना याद दिलाता हूँ, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, दोनों दल एक साथ एक गठबंधन में थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन मध्य प्रदेश चुनावों के समय दोनों दल एक दूसरे पर छींटा कसी कर रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था, कोई छोटा नेता कह रहा था, कोई कह रहा था, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे वक्तव्य किए जा रहे थे कि एक तरफ से कहा जा रहा था कांग्रेस एक चापलूस पार्टी है, कांग्रेस एक चालू पार्टी है, आप इसको मत लेना। ठीक है, एसएन सिंह साहब आ गए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। एसएन सिंह जी, अब लगातार केसरगंज सीट को लेकर आपसे एक कड़ा सवाल हो रहा है, अखिलेश यादव भी कल आप इसी पर जवाब मांग रहे थे, क्योंकि आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया वो कई सीटों पर चेहरों को बदल रहे हैं, उम्मीदवार बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप उम्मीदवार घोषित ही नहीं कर रहे ना, कुछ सीटें आपके लिए भी चुनौतीपूर्ण तो बनी हुई है। पूजा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निशान है कमल निशान, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पर चुनाव लड़ रही है भाई, और कोई निशान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं अभी सारे प्रवक्ताओं का सुन रहा था, कुछ टेक्निकल कारण थे जिसके नाते वीडियो नहीं आ रहा था। अभी हमारे मनोज यादव जी कह रहे थे समाजवादी पार्टी जिस बुरे दौर से गुजर रही है, कांग्रेस पार्टी जिस बुरे दौर से गुजर रही है, मतलब प्रत्याशी ही नहीं मिले, और प्रत्याशी छोड़ दीजिए, इनके पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं शिवपाल जी यादव जैसे नेता, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो ठगू का लड्डू है, खा के भी पछताना, नहीं खा के भी पछताना, वैसे भी 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रही है, तो लड़के क्या होगा, तो शिवपाल जी छोड़ दे रहे हैं। और बहुतेरे जगह तो हालात ये हो रहा है कंफ्यूजन की, जो हालात आज पूजा जी बने हुए हैं कि कोई जहाज से जा रहा है, कोई पैदल दौड़ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से दौड़ रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी के हालात देखते बन रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने, हमारी बहन ने कहा हम किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही थी, अब हम सोच रहे हैं कि इधर से शुरू करें, जहां पे आप आना नहीं चाहते थे नोएडा में,
वहां पे तो बहुत बड़े एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जिस अयोध्या में आप कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पैर रखने की जगह नहीं है, वहां विकास के ऐसे कार्य हो रहे हैं कि रोजगार के ऐसे कार्य हो रहे हैं कि फूल बेचने वाला, माला बेचने वाला, आज वहां पे प्रसाद बेचने वाला, टीका लगाने वाला, होटल चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, और जिस काशी में आप लोग कहते थे यहाँ तो पूजा ही नहीं हो सकता है, वहां काशी का कॉरिडोर बन गया, मथुरा में जा नहीं सकते हैं, प्रयागराज जो आपके लिए अपराधियों का जिला था आज वहां विकास के कार्य हो रहे, जिस आजमगढ़ को ये किला मानते थे वहां सिर्फ अपराध का जिला मानते थे, आज वहां पे एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, वहां यूनिवर्सिटी खुल रही है, तो मुझे लगता है संपूर्ण प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारी बहन कह रही थी, अरे बहन जी को सोचना होगा कि भाई उत्तर प्रदेश आप क्यों छोड़े, नहीं छोड़ना चाहिए, रायबरेली नहीं, हर जगह आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा आप जान रही हैं और नहीं, मरता नहीं, क्या वो नहीं तो लड़ेंगे, वो तो कह रहे हैं ना कि देर सवेर अभी घोषणा हो जाएगी, लेकिन घोषणा तो आप भी नहीं कर रहे ना, उम्मीदवार कौन उतरेगा अब तक आपने भी तो क्लियर नहीं किया है, कैसरगंज में प्रत्याशी अभी कुछ नहीं पता, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं उनकी प्रचार की तस्वीरें वीडियो। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी में जिसको टिकट मिलता है वो भी, और जिसको नहीं टिकट मिलता है वो भी, वो सब कार्यकर्ता होते हैं, वो प्रचार करते हैं, कल बलिया में और प्रयागराज में आप देखी होंगी जिनको टिकट नहीं मिला वो भी प्रचार करना शुरू किए, इसके पहले भी प्रचार करते थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी इनकी तरफ परिवार की पार्टी नहीं है। और पूजा जी मैं तो कह रहा हूँ भाई, समाजवादी पार्टी का आप नाम ले लीजिए केवल उत्तर प्रदेश में, पूछ लीजिए किसी से क्या समाजवादी पार्टी आना चाहिए, कहेंगे लोग कौन समाजवादी पार्टी, वो जो हत्या और अपहरण कराती है, जो दुष्कर्म की घटनाएं कराती है, जो जो नारा देती है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो जो लोग अतिक्रमण का कार्य करते हैं, हमारे मित्र मनोज जी कह रहे थे बदलाव, अरे मित्र आप बहुत देर से सो के अच्छा, उठे जिन जिन पांच सीटों की यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं जिन पर अब तक आपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, क्योंकि आज हमने इस प्रोग्राम को कन्फाइंड ही इन दो तीन सीटों के लिए खास तौर पर रखा है, क्योंकि एक तरह से कैसरगंज वो आपका गढ़ है, रायबरेली अमेठी वो कांग्रेस का गढ़ है, तो जब गढ़ है तो वहां पर मुश्किलें क्या आ रही हैं भाई, आपका तो सीधा सीधा है ना, और हमने देखा भी है जहां विवाद वहां उनके टिकट कटे भी हैं उन सांसदों के, सिटिंग सांसदों के, ये हमने देखी है आपकी पिछली लिस्ट में, तो यहां पर क्या मुश्किल है पूजा जी? कुछ नीतियां और कुछ रणनीतियां ये दोनों चैनल पर डिस्कशन के विषय नहीं होते हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार सफल रणनीति के नाते ही उत्तर प्रदेश में जो रामपुर का किला, आजमगढ़ का किला और बहुत सारे लोगों के परिवार का किला ढह गया, क्योंकि हमने बलिया पे बात करेंगे, आजमगढ़ पे बात करेंगे, रामपुर पे बात करेंगे, लेकिन कैसरगंज पे नहीं करेंगे। हम तो कर रहे हैं पूजा जी, हम तो भागी नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान जिस प्रत्याशी को टिकट देगी संपूर्ण जनता उसके साथ, आप पहले भी देखी होंगी अगर बलिया का टिकट बदला गया है तो हमारे जो पूर्व प्रत्याशी थे वो उसके साथ हैं, प्रयागराज में टिकट बदला गया जो पूर्व प्रत्याशी उस साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, हर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बदलती रहती है लेकिन वो अपने परिवार की तरह उसमें लगी रहती है, अब समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि आदम खान तो बृजभूषण छोड़ नहीं पा रहे ना अपनी सीट, उनका दबाव ये चल रहा है इसीलिए सस्पेंस बना हुआ है। पूजा जी देखी होंगी रामपुर में आजम खान साहब ने जो विरोधी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है उसके साथ खड़े हो गए, बोले कि वोट उनको दीजिएगा, कांग्रेस की हालत आप देखी है, जिसको आप ये मान कर चलते थे कि हम बहुत दिन तक सीज के और कैसे करके तैयार किए उस अमेठी और रायबरेली से, रायबरेली से चले, रायबरेली जिक्र आप कर ही रहे हैं, रायबरेली से बता दीजिए, अपर्णा यादव कह रही है कि किसे भी उतार दिया जाए मैं तो सबसे लड़ लूंगी, देखिए जो भी उतरेगा वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, कोई और प्रत्याशी नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ मनोज यादव जिसकी सुचारुता हो, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं और जीत पाते हैं। और पूजा जी मैं कह रहा हूँ हमारी रणनीति अगर अच्छी नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में 37 साल का इतिहास भी तो उत्तर प्रदेश की जनता बदलने का कार्य करती है, क्योंकि वो जानती है कि बहुत सारे लोग भगवान राम का नाम नहीं लेंगे, उनको लगेगा विकास होता क्या, अरे विकास केवल नाच गाने में नहीं होता है, विकास अपहरण में नहीं होता है, विकास अपराधियों के घर आने जाने में नहीं होता है, विकास संपूर्ण जनता को साथ लेकर चलने में होता है, जो विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी करके और 2014, 2017, 2019, 2022 में बहुत सारे लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी तो फला जाति की पार्टी है, आज बताइए कि किस जाति की पार्टी है। हाँ ये जरूर हमारे मनोज यादव की समीकरण तो आप भी बिठाने में माहिर हैं जो आपकी लिस्ट सामने आ रही है। देखिए जाति जो है संवैधानिक ताना बाना में जाति एक आधार है, लेकिन ये नहीं उससे भी परे नहीं है ना बीजेपी भी,
पूजा जी, जाति और जातिवाद में अंतर है, धर्म और धर्मवाद में अंतर है, क्षेत्र और क्षेत्रवाद में अंतर है। हम संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए, संपूर्ण जाति के लिए कार्य करते हैं। रिएक्शन ले लेती हूँ मनोज यादव जी। सबसे पहले तो मैं ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का जवाब दे दूं, भैया हम आपका कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, जो आंखों से देखा कानों से सुना वही मुंह से हमने बता दिया। अब इतना भी ज्ञान नहीं है तो फिर आप जाके मलाई चाटो, आप बहुत बहुत बधाई हो। मलाई अपमान और सम्मान क्या होता है आपसे हमको उम्मीद भी नहीं। उसके महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी बीजेपी के लोग डरे हुए पूजा जी, इस बात को मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। आपने कैसरगंज का इतनी बार नाम किया, हम तो अपना किस स्ट्रेटजी से टिकट रोकते हैं हमें पता है। ये रोक रखे हैं कि जाटों का वोट मिल जाए। तो एस एन सिंह जी, मोदी जी, चाणक्य जी और जितने जी है बीजेपी में सब सुन ले, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट करने नहीं जा रहा। अगर यहाँ लेट टिकट करोगे तो यहाँ का भी राजपूत टिकट आपको टिकट लेट होने की वजह से वोट नहीं करेगा, जैसे कि पश्चिम में आपको राजपूत वोट करने नहीं जा रहा। तो जो योगी और मोदी की लड़ाई है उसका लाभ इंडिया अलायंस को बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है, उसके लिए हमें कोई सवाल जवाब नहीं करना है। एसएन सिंह जी, आप कैसे छत्री हो, कितने अपमान के भी बाद बीजेपी आ रहे हो भाई, कितना गंदा गंदा छत्रियों के बीजेपी के द्वारा बोला जा रहा है, तो ये आप सोचो और ये जनता को और अपने समाज को जवाब दो। योगी आदित्यनाथ जी के पास तो बेसर्मी है, वो नहीं बोलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो स्थिति आपकी भी बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है ना, सर्वे जो लगातार सामने आ रहे हैं मनोज जी। तो क्या नहीं, तो जीतेगा कौन, मतलब बीजेपी की स्थिति खराब है, समाजवादी पार्टी की खराब है, वो आप कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह रही हूँ। जो सर्वे आ रहा है उसमें तो स्थिति, क्योंकि देखिए यहाँ पर जयंत चौधरी सबसे बड़ा एक फैक्टर था ना जिसे आप साथ लेके चल रहे थे, वो एक बड़े नेता, जाट नेता, आज वो भी आपके साथ नहीं है। अरे सुनिए, दिवाली का जो सुतली बम होता है उसको पानी में डुबा के जब माचिस लगाओ ना तो वो दगता नहीं, धुआं निकलता है। तो जयंत चौधरी जी धुआं हो गए, उनका कोई मतलब नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश की हर जनता हर सीट के हिसाब से चुनाव लड़ रही, ना कोई मुद्दा चेहरा, ना कोई मोदी चेहरा, ना कोई योगी चेहरा, और ना बीजेपी की कोई विचारधारा, और ना इनका कोई जो लाभार्थी योजना है वो चेहरा है। चेहरा सिर्फ एक है, बदलाव होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। आप यहाँ भी देख रही है ना, सीटों पर आप उम्मीदवार घोषित करने के बाद उनके बाद भी आप नाम बदल देते हैं। कन्नौज सीट आपकी पारंपरिक सीट है, अगर मैं कांग्रेस या बीजेपी के गढ़ की बात कर रही हूँ तो कन्नौज सीट तो आपकी खुद की सीट है, वहां के लिए भी आप इतना कश्मकश कर रहे हैं, अखिलेश लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं, ये सवाल तो आपके सामने भी मुंह बाएं खड़े हैं। नहीं पूजा जी, इस एक बात को मैं क्लियर कर दूं और आपके दर्शक पूछ लें, समाजवादी पार्टी ने अपने जीतने भर की सीटें तय कर ली, एक चीज। दूसरा, जहां सीटें रह गई हैं वो हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। चले तो जो सीटें रह गई है वो उनकी रणनीति का हिस्सा है और उसी रणनीति पर कांग्रेस भी चल रही है, इसलिए अमेठी रायबरेली अब भी सस्पेंस है और इंतजार अब वायनाड के नामांकन का करना होगा, यही मतलब हुआ ना प्रियंका जी? देखिए मुझे लगता है नामांकन भी हो जाएगा और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसको पता भी चल जाएगा कि इस देश की जनता का मूड बदल चुका है। और मुझे लगता है कि आज जो असमंजस में है एसएन सिंह जी, वो असमंजस में ये है कि अगर ब्रजभूषण को टिकट देते हैं वो तो वो पूरे देश के जाट को नाराज कर देंगे। आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसान किस तरह से नाराज है वो पता चलता है। किसान भी ये कहता है कि हम वोट देंगे उन्हें, आपको आपने दिया क्या, हमें जब दुगनी आय का वादा किया और हमारी लागत ही दुगनी कर दी तो हम आपको वोट देंगे कैसे। और जो किसान लड़ता रहा 12 महीने पहले और उसके बाद अभी जो किसानों को सलूक किया है वो जयंत चौधरी जी से भी तो पूछ रहा है कि अरे भाई हम जिस लड़ाई को लड़ रहे थे उस लड़ाई को बीच में कैसे छोड़ दें। और यहाँ बैठे हैं यहाँ पे सुभाषपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगी कि आप ये तो बताइए कि ये परिवारवाद नहीं है क्या, ये परिवारवाद से अलग, जब ये मंच पे खड़े होते हैं और जयंत चौधरी मंच पे खड़े होते हैं और जितिन प्रसाद जी खड़े होते हैं परिवारवाद नहीं दिखता होगा एसएन सिंह जी को, क्योंकि परिवारवाद दिखता दूसरों की फैमिली में, बाकी अपनी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं दिखता। और हकीकत ये एसएन सिंह जी को एक और बात पड़ी जो है जो बोल नहीं पाते होंगे, उनको कभी चुभती होगी कि आज 400 से ज्यादा जो विधायक है वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों की पार्टी में, 14 से ज्यादा पूर्व इनकी पार्टियों में, वो कहाँ से आए, कौन से विचारधारा लड़ाई में उतरे हुए, ये भी बता दो।
यही यही आरोप लगा रहे हैं ना कि आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, अब आपकी पार्टी छोड़कर आपके नेता तो वहां जा रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो गई है। नहीं, हमारे लिए मुश्किल नहीं, मुश्किल तो एस एन सिंह जी के लिए हो गई है, क्योंकि आप देखिए किस तरह से इनकी पार्टी के प्रदेश जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका घर इनके खुद के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। तो हकीकत ये है कि पार्टी के अंदर भी जो है स्थिति सामान्य नहीं है, पार्टी के अंदर भी गुस्सा है। इस देश की जनता जिस तरह से खदेड़ रही है ना, जब बड़े बड़े इनके प्रत्याशी मंत्री जैसे प्रत्याशी आते हैं ना तो उनको खदेड़ के बाहर निकाल रही है। और यह हकीकत है इस देश की कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर हर जगह इस बार भारतीय जनता समेटती नजर आ रही और कहीं ना कहीं मुद्दों से दूरी बनाती चली आ रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर जब बोलती है तो खुद पर सवाल उठाती है। सवाल तो प्रियंका जी ये भी उठ रहा है ना, जिन्हें आप बीजेपी की बी टीम कहते थे आज उन्हीं से आप हाथ मिला रहे हैं, उनको समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कौन सी बी? सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई भाई। असदुद्दीन ओवैसी का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाह रही हूँ। सवाल तो ये भी उठेंगे ना, जिन्हें आप बीजेपी की बी टीम कहते थे तेलंगाना के हैदराबाद में, आज उन्हीं के साथ आप खड़े नजर आ रहे हैं। वो बिहार में आपके साथ है तो आप हैदराबाद में उनके साथ हैं, तो ये भी तो जनता को दिखता है ना। देखिए मुझे लगता है कि राजनीति में रणनीति भी होती है और रणनीति में क्या क्या होता है वो समय आने पर ही पता चलेगा, कौन किसके साथ खड़ा है ये अभी कहना मुश्किल होगा। परंतु मैं इतना जरूर कहूंगी, ऐलान हो गया ना, कल ऐलान हो गया कांग्रेस है हैदराबाद में AIMIM के साथ। नहीं, तभी मैंने कहा रणनीति का हिस्सा कुछ भी हो सकता है, पर कौन किसके साथ में खड़ा है ये तो आपको समय रहते ही पता चलेगा। मुझे हकीकत ये है कि इस देश की जनता के साथ आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है और इंडिया गठबंधन खड़ा है, देश के मुद्दों के साथ खड़ा है। जब वो रोजगार की बात करता है तो, और जब जातिगत जनगणना की बात करता है ना, तो वो देश से जुड़ता है। ठीक है जनेंद्र जी, परिवारवाद भ्रष्टाचार यही दो मुद्दे यहाँ पर एनडीए की तरफ से, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से हर मंच से कहे जा रहे हैं, विपक्ष को घेरा जा रहा है परिवारवाद को लेकर। तो अब प्रियंका जी ने आप पे सीधे हमला बोल दिया। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, परिवारवाद ये नहीं होता है कि कोई जीत के आए जनता के द्वारा, जनता के वोट के द्वारा। परिवारवाद होता है कि राजा का बेटा राजा बने, यानी जवाहरलाल नेहरू की बेटी बनी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी के बेटे बने अध्यक्ष राजीव गांधी जी, फिर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी जी पार्टी की। तो प्रकाश राजभर के बाद अरविंद राजभर ही होंगे ना आगे उनके सत्ता संभालने वाले, या पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा। स्पष्ट करता हूँ, माननीय अरविंद राजभर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जैसे ही कुछ होगा तो वोटिंग के द्वारा जो भी चुना जाएगा वो सर्वमान्य अध्यक्ष होगा पार्टी का, बिल्कुल स्पष्ट है। आप वो अगर आपके पास बाइक हो वो चलाइए, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं अध्यक्ष बनूंगा। दूसरी चीज मैं बता, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तक आकर डूबी हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जनता ने भ्रष्टाचार के नाम पे ही बाहर का रास्ता दिखाया था। अब इनके जो घोटाले हैं, चाहे समाजवादी पार्टी द्वारा जेपीसी घोटाला, गोमती गोमती के वर्ग घोटाले में तो माननीय अखिलेश जी पे और माननीय चाचा जी पे तलवार रखी है अंदर जाने, और इसके अलावा पेंशन घोटाला हो या लैपटॉप घोटाला हो, ये तो बहुत सारे घोटाले, याद सिंह घोटाले को आप कैसे भूल जाती है, कैसे वो इतना बड़ा घोटाला हो पाया कि आप गायत्री प्रजापति का घोटाला जो अनंत के नाम पे उन्होंने किया था और उनको हटाया गया मंत्री पद से और तीन दिन बाद फिर से मंत्री पद पर बिठा दिया गया दबाव के कारण, क्योंकि वो घोटाले का जो पैसा आ रहा था उस पैसे के दम पे ये लोग पार्टियां कर रहे थे। लेकिन जनेंद्र जी, भ्रष्टाचार पर हालांकि हम लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचार जिन्हें आप खुद कहा करते थे, घोटालेबाज जिन्हें आप कहा करते थे, वो आपकी पार्टी में भी तो शामिल है। मैं एनडीए, मैं संपूर्ण एनडीए की बात कर रही हूँ, आपके गठबंधन में शामिल है ना, कुछ भी नहीं है। हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप मुझसे पूछ रहे हैं पूजा जी? हाँ जनेंद्र जी, भ्रष्टाचार पर आप कह रहे हैं ना, विपक्ष पर आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन उन्हीं उसी गठबंधन से आए हुए जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़ गए हैं। वो नहीं, उस गठबंधन से जो भ्रष्टाचारी नहीं है वही आए हैं। आप बताइए किसी के नाम, आप इनसे पूछिए, इनकी पार्टी में जो टिकट बांटे गए हैं वो अभी तक भ्रष्टाचारियों को ही बांटे गए। मैं दूसरी चीज एक और स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी की जब न्याय यात्रा निकल रही थी तो आपको याद होगा पहली वाली न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के कोने कोने से केवल 3 घंटे अंदर पूरी हो गई थी। दूसरी न्याय यात्रा के समय राहुल गांधी जी बार बार गायब हो जाते हैं, ये चुनावी मैडम की तरह अभी चुनावों के बीच में निकल के आएंगे। आपको याद होगा कि 2022 बोले मनोज यादव जी, तो वो लिस्ट गिनाते गिनाते तो मैं खुद भी थक चुकी हूँ।
उसी लिस्ट को वापस मुझे बार बार बताना पड़ता है। बोलिए मनोज जी। पूजा जी जिस पार्टी को अपमान ही सम्मान लगता उसकी बात का किस बात का जवाब दें? अभी बरसाती मेढक की बात की, आपको पता है बरसाती मेढक का कलर किस तरीके का होता है? पीला, येलो येलो होता है, और येलो येलो किसका निशान है आपको सब पता है कौन पहनता है। इसलिए वो अपनी बात को खुद टीवी पे बता रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अपमान को ही सम्मान समझे उसको जनता जवाब देगी। मैं गोंडा में हूँ, यहाँ राजभर समाज का बड़ा वोटर है। मैं आपको बता दूं, किसी एक व्यक्ति ने आज तक राम प्रकाश राजभर का नाम नहीं लिया। आप कल्पना कर सकते हो कि एक नेता ने जिस तरीके से हमको आतंकवादी पार्टी कह दिया, हमको अनावश्यक आरोप लगा दिए, तो हमारे पास क्या करने आए थे? क्या करने आए थे भाई? और इतने विधायक जीत के लेके गए तो इसलिए आए थे क्या? इस तरह की राजनीतिक भाषा का प्रयोग भाजपा के साथ रह के लोग करते थे, उतने किसी भी संगठन और किसी भी दल के साथ रह के कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भाजपा अत्याचार अनाचार की सदाचार के। ठीक है, एसएन सिंह साहब। देखिए पूजा जी, हमारे मित्र से आपने बार बार सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी को जनता क्यों वोट देगी, इन्होंने एक बार नहीं बता पाया। अरे भाई, जिस जाति की बात करते थे वो जाति भी आपको वोट नहीं दे रही, क्योंकि यम वाई ऐसे कहते कहते आप चार चार बार सरकार बनाए लेकिन काम सिर्फ परिवार का किए। अब तो पीडीए कहते हैं, अब तो पीडीए। पूजा जी वो तो आप कहना शुरू किए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी तो पहले थी पूजा जी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के कार्य होने लगे तो और पार्टियां भी सोची कि भाई अब अपराध छोड़कर हम विकास की बात करें, लेकिन सिर्फ कहते हैं करते नहीं है। पूजा जी हम तो पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इनसे बार बार कि भैया ये उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश है, ये ऐसा प्रदेश है जहां राम का प्रदेश है, कृष्ण का प्रदेश है, भगवान शंकर का प्रदेश है, तो राम भी हमारे, कृष्ण भी हमारे, रहीम भी हमारे, और प्रदेश का विकास भी हमारा, तो प्रदेश का वोट भी हमारा। हमारे मित्र पूजा जी बंटवारे की, अरे भगवान को गाली देने वालों में लड़ाई है और किसी में लड़ाई नहीं है। जो लोग पूजा को नहीं मानते हैं, जो सनातन को गाली देते हैं और जो सनातन को मानते हैं उनमें लड़ाई है, किसी जाति में नहीं लड़ाई है, किसी धर्म में नहीं लड़ाई है। संपूर्ण यादव समाज भी भगवान राम को मानता है, किसको मानता है, लेकिन हाँ समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जी और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे कांग्रेस को लोग भगवान को नहीं मानते, उत्तर प्रदेश को नहीं मानते, उत्तर प्रदेश के विकास को नहीं मानते, नोएडा नहीं आना चाहते थे, उनकी सरकार गिर जाती थी। तो ये लड़ाई परिवार बाद बनाम विकास बाद है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार बनाम अच्छा, विकास एक, बाद एक, है एक जो मोदी जी जिसने प्रज्ञा ठाकुर के लिए कहा ना प्रधानमंत्री ने, उनका दिल नहीं मानता, उन्होंने माफ नहीं किया, टिकट कट गया, क्या ब्रजभूषण के लिए भी दिल मानेगा उनका? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ा शानदार नीतियां बनाती है और वो नीतियां ऐसी बनाती है जो जनता के लिए होती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। बहुत सारी ऐसे कठोर नियम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया जिसके नाते देश का भला होता है, जनता का भला होता है, पार्टी का भला तो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि नहीं कुछ भी हो हम परिवार को देंगे, बात करेंगे MY का और काम करेंगे सिर्फ अपना। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार मोदी जी के विकास के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, और जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना से बहुत अच्छा खेलते हैं। कैसरगंज पर एक शब्द नहीं, आपने तमाम मुद्दे तमाम चीजें तो गिना दी। कैसरगंज में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा, कैसरगंज में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल, पूजा जी जातिवाद का जो जहर बोने के लिए भी हमारे बैठे हुए थे, इनसे पूछिए जात इनको क्यों वोट देंगे, राजपूत इनको क्यों वोट देंगे, यादव इनको क्यों वोट देंगे, इन्होंने तो जहर बोने का काम किया, कैसरगंज बल्कि अमेठी और रायबरेली से और साथ ही कन्नौज से भी कि आखिर कब यहां से उम्मीदवार की घोषणा तमाम राजनीतिक दल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए।